अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे ढेर सारा। और जी आज बना रही हूँ मैं होममेड दही बड़े। ये मैंने मूंग की दाल ले ली है 3 टेबलस्पून और मैं इसको अब पीस लूँगी। आप चाहे तो भिगो कर पीस लें जैसे या वट एवर आपका दिल करे। ये मैंने फिलहाल 3 टेबलस्पून फुल भर के ले लिए। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें टेस्ट के मुताबिक, और रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ इसमें। आपका दिल करे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये सफूफ उसका बन गया था, पाउडर से बन गई, आप देख सकते हैं ये मूंग की दाल है। इसमें अब मैं डालने लगी हूँ बेसन। आप थोड़ी सी अजवाइन साफ़ कर लीजिएगा पहले से, और साथ में 4 टेबलस्पून में इसमें डाल रही हूँ बेसन, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी इस मटीरियल को, ठीक है। यहाँ मैंने पानी ऐड किया तो मैंने कहा मैं आपको से ये बात शेयर कर दूँ कि ना इसमें बहुत ज़्यादा वो डालना है पानी, ना बहुत कम डालना है, और इसको अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब अगर आपके पास बीटर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ से कर लें आप। ज़्यादा ना पतला करना ना ज़्यादा मोटा। अच्छा जी, मैंने इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से बीट कर लिया था। हाथों से कर सकते तो हाथों से कर लें, और अगर मशीन है तो उसे कर लें। उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे फिर से 5 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखने में ऐसा है, ठीक है, ये देखें, देखने में ये ऐसा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ले ली है क्रीम, थोड़ा सा लूँगी सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून फुल भर के ले रही हूँ जी मैं शुगर, ठीक है। ये शुगर डाल दी, उसके बाद ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जिसमें दही फ्रेश। उसके बाद इसको आप पानी भी डाल सकते हैं, वैसे पानी से थोड़ा सा टेस्ट का चेंज हो जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से। ये बड़ों का दही रेडी कर रही हूँ जिसमें बड़े डालने हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ले लिया मैंने ये बॉल था, ये डिश ले ली क्योंकि ये तो गंदा हो चुका है। इसमें डाल दूँगी दही और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अच्छे से मैंने फेंट लिया। अगर आप मज़ीद इसे पतला करना चाहते तो मज़ीद कर लें, यह आपके उस पर है, ठीक है जी। अब मैं इसको डाल के फ्रिज में रखने लगी हूँ। अच्छा जी, ये पैन गर्म हो रहा है, अच्छे से इसमें ऑयल डाल दिया मैंने। ये फ्लेम देख लें, नॉर्मल है, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम, और ऑयल भी गर्म हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें बनाऊंगी बड़े। तो ये देखें, ये है हमारा बैटर तैयार हुआ, और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये देखिए। अच्छा जी, अब जितने भी साइज़ के, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ मैं। तो अब मैं इसको ऑयल में डालूँगी। अच्छा जी, ये हो रहे हैं जी बड़े तैयार। ये एक मैंने पहले डाल लिया था, ये बना चेक करने के लिए, ठीक है। अब एक साइड से अच्छे से पकते हैं, फिर इसको मैं टर्न कर दूंगी दूसरी साइड से। अच्छे से इसको पका लेना, अंदर से चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने अंदर से चेक किया कि कुक हुआ है तो ना। ये देखें जी, ये तैयार हो रहे हैं हमारे बड़े, कैसे फूल गए ज़बरदस्त से। अब हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम ये बड़े लेकर, ये मैंने रूम टेम्परेचर का पानी ले लिया, इसमें मैंने डिप करना है ऐसे, अच्छे से डिप करके इसको ऐसे दबा देना है, इसका पानी निकाल देना है। ये देखें, ठीक है, 1 बाय 1 ऐसे करना है हमने सबको। ये मैंने साइड पे रख दिया, मुझे इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए मकसद ये है कि ऐसे करके अच्छे से इसको
फिर उसके बाद इसका पानी निकाल लेना, मेक श्योर कि इसका पानी इसके अंदर ना रहे। अच्छा जी, अब ये बड़े पानी में डाल लेने के बाद अब हमने इसमें इसको डिबो देना है अच्छे से, ऐसे 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 करके। अच्छा जी, ये लास्ट का बड़ा मज़े का है क्योंकि सिर्फ ये चीज़ें इसके अंदर डालनी है और बस, दैट्स इट। अच्छा, ये जो बड़े बनाने के बाद ना, सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं, सबसे पहले तो नहीं, सबसे आखिर में बता रही हूँ मैं, कि ये लास्ट में आपने डालना है सब रेडी करके, जब आपको गेस्ट आने वाले हों उस टाइम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले डाल दिया तो वो दही सारा चूस जाएंगे बड़े, तो कोशिश कीजिएगा बाद में आप लोग डालें, बिल्कुल जब मेहमान आने वाले होंगे, आपको पता होगा जब भी सर्व करना है रेडी है सब कुछ, फिर उस टाइम आप डालें, ठीक है। अब ये डाल दिया। अच्छा, ये बाकी बात मैं डालूंगी मैं। अच्छा, ये है जो होममेड चटनी इमली की, वो आप बना सकते हैं, ये डाल लें इसके ऊपर, जितना जितना आपको पसंद हो। ये दाल इमली की चटनी, उसके बाद ये मैंने होममेड चाट मसाला बनाया था आज ही, ये डाल लें। ठीक है जी, अगर आपका बाजारे डालने का मूड है तो वो भी डाल सकते हैं आप, और लास्ट में थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन चटनी। ये हो गए हमारे बड़े रेडी, ये देखें, मज़ेदार से एंजॉय करें, खुद भी खाएं, सबको बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।